जी तो राम राम सभी भाइयों को, फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद फिर अपनी उंगली में फिर लग गई, तो अब फाइनली ब्लॉग आ रहा है। तो ये देखिए अपन भूसा की रेट तैयारी हो गई, आज से स्टार्ट ही हुआ, श्री गणेश सब भी जस्ट हुआ ही है। तो एक ट्राली ये खड़ी और दूसरा अपना 963 चला रहा है अपनी मशीन, चल रही है स्ट्रॉ रीपर, भूसा मशीन बोलते हैं अपने यहाँ पर, और जगत जीत की है, 56 इंच साइज है उसका और 963 चला रहा है। जोंडिया 53-10 से चलाते थे अपन पहले, लेकिन 963 पैसे तो डीजल बहुत लेता है, लेकिन भूसा मशीन में जोंडिया के मुकाबले बहुत कम डीजल लेता है और जोंडिया से एक ट्राली ज़्यादा बना के भी देता है। तो अभी इस वाले गड्ढे से चालू किया था, यहाँ पर 4 राउंड लगे हैं बस, उसके बाद दूसरे गड्ढे में गए, फिर ट्राली देखते हैं लगभग कितनी हुई, आधी के करीब तो शायद ही हुई हो, बाकी इस बार नड़वाई उतनी है नहीं कि भूसा अच्छा मिल जाए। देखिए कितना स्मूथली चलाता है 963, और जगदीप भी विश्वकर्मा के हिसाब से थोड़ी स्मूथ भी चलती है, क्योंकि इससे पहले अपने पास विश्वकर्मा, न्यू विश्वकर्मा जो उसको 15 से 20 साल से चला रहे हैं, ये पहली बार ट्राई किया था जगदीप, तो इसमें वो पत्थर जो आ गया था फिर उसको रिपेयर किया, मैं पत्थर वाली वीडियो भी डालूंगा, क्योंकि मैं सूट तो कर लिया था, उसको रिपेयर कर रहे थे, लेकिन फिर रिपेयर करते टाइम मेरी ये वाली उंगली में लगी, तो ये नाखून टूट गया, यहाँ पे 5 चट आके आ गए, तो फिर वो वीडियो कंप्लीट ही नहीं हो पाई, फिर आज से चालू हो गया। हाँ जी, तो पहली ट्राली अपन ने कर दी है खाली, और जस्ट अभी आए हैं खाली करके, वो अपना ट्रैक्टर चल रहा है, और साथ में है आज पतरस भाई, गेहूँ बीन रहे थे, बाकी ये ट्राली अपन अभी जस्ट खाली करके आए हैं, और श्री गणेश ही हुआ है अभी, देखिए लो अभी प्रसाद खा लो, वो चल रहा है अपना 963। तो आज का कोटा हो गया है अपना पूरा, क्योंकि अपने को खाली 2 ट्राली भूसा चाहिए था, ताकि अपना जो भूसा ख़त्म हो गया वो अपन कवर कर लें। अब कल से नंगवाड़ा की कटाई चालू होगी, तो वहाँ पे पहले पूरे ट्रैक्टर जाएंगे कटाई में, तो भूसा मशीन कल रेस्ट करेगी, तो उसके बाद मैं देखता हूँ नर्मदापुरम जाऊँगा, तो नर्मदापुरम जाऊँगा तो फिर सरप्राइज आपके लिए, बाकी अगर मैं कटाई में गया तो फिर कटाई की वीडियो रहेगी, क्योंकि फिर यहाँ पर अब सौंतलाई में चालू होगी अपने गाँव में कटाई, तो चलाएँगे अपनी मशीन, बाकी तो अभी तो घर ही जा रहे हैं, बस 2 ट्राली बनी है, 2 ट्राली में अपन को लग गया है कितना, 4.5 घंटे के करीब लग गया है, तो एवरेज अगर लगाओ तो 1 घंटा 50 मिनट 1 घंटा 40 मिनट इतने में ट्राली भरा रही है फुल अच्छी। तो अब चलते हैं घर, नहाते हैं। हाँ जी, तो पहुंच गए अपन नर्मदापुरम, कुलदीपुर में आए, बस से आए थे अभी जस्ट, बस से उतरे हैं, तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं किस कारण से हम आए हैं। हाँ जी, तो ये था वो सरप्राइज वेन्यू है अपनी SX मॉडल, पूजन की तैयारी चल रही, चाचा बस तैयार रेडी हो ही रहे हैं, ये है पेप्सी प्रिंस, पेप्सी डीजल मॉडल, तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है, यहाँ कुलदीप भाई अपने जवाब से ही हो जाए। तो बस ये छोटू भाई का खेत है, यहाँ से ये वहाँ तक पूरा नीचे तक दिख रहा है ना, और वो भूसा मशीन चल, वो हार्वेस्टर चल रही है सॉरी, और जॉनडियर और 855 लगाया ढुलाई में, एक नई ट्राली अपनी काली वाली और एक पुरानी वाली, और भूसा मशीन अपन जस्ट चालू कर ही रहे हैं। कहो अक्का, सांप नहीं घूम रही, रुक जाओ, बाद को न्यूट्रल तो नहीं हो, हम तीन कह रहे हैं दूर लगा था में, अच्छा तो चलो आवाज से हो गया काम चालू,
वहाँ से पौने पे से भूसा पकड़ रहा है, वो अगले ट्राली में सही करेंगे हम। वो कितनी स्मूथली चलती है जगत जी। और वो आ रहा है अपना जॉन डियर, दो टैंक पीछे लेके, शायद तीन टैंक है उसमें क्योंकि आधी से ज़्यादा भरी है। उसमें 4.5 टैंक बन जाता है, कल लंगवाड़ा से लेके आए तो उसमें 4.5 टैंक फुल भर के। देखिए इस बार फिटिंग बढ़िया भैया, नहीं तो पिछले हर बार क्या होता है भूसा ज़्यादा पकड़ता है। और वो आ गया जोन लिए तो अच्छा, और ये अपनी न्यू ट्राली मीना कृषि फार्म। ईश्वर की भूत कहने गया विद्यार्थी, ये अपने हैं परदादा जी। 40 बार अच्छी हैवी बनवाई है, 11 फिट की बनवाई है क्योंकि अपने दिक्कत करती है घर में जाने में। बाकी चलो अपन लेके आते हैं कोटा। भैया क्या मस्त लग रही है, अब चलो अपन चलते हैं कोटा लेने क्योंकि पापा भी आ गए हैं न्यूज देखे। देखो अपने घर भर की सबसे बड़ी ट्राली है वो, अब लेकिन न्यूज में एक समस्या आती है, उसकी ड्राइविंग पट्टी अपने आप ऊपर होती है तो उस पर लीवर पे हाथ रख के चलना पड़ता है या फिर उसको फुल नीचे करके किसी से लॉक कर दो। तो कोटा भी ले आए हैं घर से, अब देखो बारिश पानी आने लगा है यार, अब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कटाई कर रहे हैं क्योंकि ट्राली भी घर पहुंचाना पड़ेगा जो पीसी है बारिश से पहले। पानी आ रहा है इस साल बड़ी दिक्कत कर रहा है, पानी में देखो यहाँ वो कलर कैसा हो गया है, पानी गिर गिर के सही होगी। छोटी भाई कैमरा मैन पीयूष के साथ चलो थौन दे देते हैं, चलो जल्दी। ये देखो ये बारिश हो रही है, वो गुस्सा मशीन चल रही है, हार्वेस्टर और 855 घर लेके भाग रहा है, क्या बताऊँ दिमाग खराब हो रहा पूरा आज तो। थोड़ा उपाय हाँ जी, तो बारिश बंद और फिर से अब घंटा भर का रेस्ट लिया फिर चालू हो गया क्योंकि काफ़ी पक गई थी पिछली। इस खेत में भूसा मशीन फिर नहीं चल पा रही है, ये गीला कटा था लेकिन अपने खेत में कुआ कटा था उसमें चलने लगी है। बाकी लास्ट घंटा बचा है, इसके बाद आज दिन भर इसमें अपन मशीन चला देंगे भूसा मशीन, रात में रोटर बटर करके कल मूंग की बोनी अपन कंप्लीट कर देंगे। चलो भाइयों ये खेत हो गया कंप्लीट, अब तो घर चल दिए, अपन भी चलेंगे अब खाना खाने। और भूसा मशीन अभी टाइम लगेगा, मौसम देख लो। हाँ दादा
उतर चढ़ेगी नहीं, बड़ी ट्राली है वह, जहाँ से चढ़ जाएगी। हाँ, और पीछे वो नहीं लगा ना जंगला, तो गेहूँ फिर पीछे आ गए। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग, अब सुबह हो गई है, चलो फिर से ले चलते हैं ट्रैक्टर को अपन खेत में। तो अब ये देखिए कितना भराया था अपना, और इस ब्लॉक को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं किसी नए ब्लॉक में। मेरे ये कल रात से भरी खड़ी है ट्राली, ये 963 खड़ा है 855, और नीचे ट्यूब ये ट्राली सभी काली करना है, उसके बाद जगह बनेगी तो फिर आज अपने घर पर ही भूसा पटकवाना है। ठीक है, इस ब्लॉक में यहीं तक था, मिलते हैं किसी नए ब्लॉक में।